एक छोटा सा शहर सरदार शहर। इस छोटे से शहर में एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई जिसमें भक्ति शिक्षा और साहित्य एक साथ जुड़ गए। यह है संजय और विमला देवी की कहानी जिनकी जिंदगी में एक गहरा मोड़ आया जिसे हम मोक्ष की तरफ चलना कहते हैं। संजय और विमला देवी की यात्रा भक्ति शिक्षा और साहित्य की एक आकर्षक कहानी। संजय और विमला देवी ने भक्ति से परे एक आध्यात्मिक आवाज में खुद को पाया। एक प्रेरणा भरी 5 दिनों की यात्रा के बाद उनकी जिंदगी में एक गहरा मोड़ आया। पूज्यवर ने सरदार शहर में चतुर्मास की यात्रा शुरू की। विमला देवी अपने बेटे की दीक्षा लेने के फैसले के सामने खड़ी अकेली होने की उलझन से जूझ रही थी। अध्यात्म के रास्ते पर चलते चलते संजय को एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षण संस्था में भेजा गया। संजय की साहित्यिक प्रतिभा डिस्कवर लाइफ जिसे अंग्रेजी में प्रकाशित कामों में दिखाई थी। उनका रचनात्मक योगदान गानों और कविताओं से हजारों लोगों तक पहुंचा। राष्ट्रीय संत सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही जिससे जैन परंपरा के सम्मानित संत और साधुओं की काफी मदद हुई। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान और साइंस ऑफ लिविंग पर हजारों लोगों को प्रभावित करने वाले वर्कशॉप और कैंप्स कंडक्ट किए। संजय की जिंदगी का परिवर्तन तब हुआ जब उन्होंने चतुर्मास के दौरान श्री महाप्रज्ञ जी से दीक्षा मांगी। उनकी यात्रा कलकत्ता से सरदार शहर तक एक गहरे आध्यात्मिक खोज की शुरुआत थी। संजय की जिंदगी एक प्रेरणा स्रोत बन गई जो सरदार शहर के आध्यात्मिक वातावरण पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गई। उनकी शिक्षा साहित्य और आध्यात्मिक विकास में की गई कोशिश आज भी दूसरों को अपने एक विशिष्ट रास्ते पर प्रेरित करती है। ये था जर्नी ऑफ एनलाइटनमेंट, एक कहानी मोक्ष और विजडम की। उम्मीद है कि ये दूसरे लोगों को अपने खुद के आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करेगी। इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने आवाज दी। मेरा नाम है कुलदीप सिंह राव। धन्यवाद।